हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात करेंगे रिवीजन का लेक्चर नंबर सेकंड। आज के लेक्चर में लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी उनके बिहेवियर पे, उनके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि हाउ टाइप ऑफ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर, यानी दीज मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट ही नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी। रीजन यही होता है क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो फ्री होते ही नहीं है, एकदम कंजेस्टेड क्लोजली ऐसे पैक्ड होते हैं, उनको काफी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती। तो टाइम सेव करने के लिए हम बोर्ड पे लिख चुके हैं ताकि मैं इजिली आपको इन मिनिमम टाइम में आपको अच्छे से सिखा सकूं बेटा। तो देखो, मैंने पहला लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहला लिखा इंसुलेटर, हिंदी में क्या बोलते हो अचालक, हिंदी में क्या बोलते हो अचालक, ये क्या होते हैं, यानी दीज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाते हैं, है ना। दिस इज बिकॉज देयर इज नो फ्री चार्जेस, लिखा है क्या लिखा आपने, दिस इज बिकॉज देयर इज नो फ्री चार्जेस अवेलेबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी साफ साफ बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे मटेरियल ग्लास हो गया, लकड़ी ले लो या वॉल ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो जिससे करंट नहीं पास हो सके, यानी इससे मतलब ये होता है, लेदर ले लो तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा नहीं पाते, उसके पास स्पेस नहीं होता, एकदम लैटिस से एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्लास 10th नहीं तो 12th वाले सेमीकंडक्टर के बारे में एक चैप्टर ही रखा गया है सेमीकंडक्टर्स, उसमें आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट उतना फास्ट नहीं कर सकता, स्लोली कर सकता है, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी दीज मटेरियल्स जो होते हैं, ये मटेरियल्स जो होते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर के इन बिटवीन लाई करते हैं। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप इनको रीड कर सकते हो, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कुछ ही वैल्यू तक ये एक्सटेंट कर सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, और फ्री चार्जेस आर अवेलेबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को करने के लिए यहाँ पे जो स्मॉल चार्जेस होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे सिलिकॉन्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, याद भी रखना, जो बेस्ट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का वो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही होते हैं, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। ये टेट्रावेलेंट होते हैं, वो बाद में आपको सीखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल टू फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लिख लो, ठीक है। कंडक्टर सबसे आपका चहेता फेवरेट चीज, कंडक्टर है ना, कंडक्टर। दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, है ना। दिस इज बिकॉज दीज मटेरियल कंटेन्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस, अब लो बिलियंस ऑफ बिलियंस, मिलियन का मतलब ही होता है 10 लाख, अब बिलियन सोच लो कितनी बड़ी अमाउंट में आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, दिस इज बिकॉज दीज मटेरियल कंटेन्स बिलियंस ऑफ बिलियंस फ्री चार्जेस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड देखो बेटा, एक और लिखा हूं मैंने सुपर कंडक्टर, आई थिंक आपको 10th में मिलता भी होगा, सुपर कंडक्टर्स है ना, यानी दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली, बहुत इजीली फ्लो करेगा, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली दैट देयर इज एब्सोल्युटली No obstruction to the flow of free charges. एक बार और रीड करता हूं इस चीज को, the materials conduct electricity so freely, है ना, that there is absolutely no obstruction
टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। तो चलिए स्टूडेंट, आई थिंक आपको सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, ये चारों मटेरियल आपको, यानी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पोटेंशियल लेके आऊंगा ताकि आपका 11 और 12th और 10th का रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहे। तो चलिए फटाफट जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, इतना शेयर कर लीजिए वीडियो की हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।